क्या कहा, बाइक लेनी है? वो भी 1 से 1.5 लाख के अंदर? तो बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 5 ऐसी बाइक्स जिनका प्राइस होने वाला है मात्र 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच में, जिनमें कम्यूटर बाइक से लेकर स्पोर्ट्स सेगमेंट तक की बाइक शामिल हैं। और इसके अलावा इन बाइक्स में बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जिससे आप डेली कम्यूट भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है बजाज की पल्सर NS125 और इसका ऑन रोड प्राइस है मात्र 1,27,000 रुपये। लुक्स की बात करें तो इस बाइक को भी सेम NS200 और NS160 के जैसा ही बनाया गया है। अगर इस बाइक के स्टिकर्स हटा दिए जाएं तो सेम NS160 जैसी ही लगती है। बाइक को एकदम नेकेड स्पोर्टी लुक दिया गया है और जो कि काफ़ी अग्रेसिव लगता है। बाइक में मिल जाता है करीब 125 cc का एयर कूल्ड FI इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 12 bhp एंड 11 Nm ऑफ टॉर्क। 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है इसका इंजन और इस बाइक से मिल जाती है करीब 120 km/h की टॉप स्पीड। इसके अलावा बाइक में 12 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक दिया गया है और माइलेज की बात करें तो इस बाइक से करीब 50 से 55 km/l का माइलेज मिल सकता है। फीचर्स की बात करें तो बाइक में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जिसमें कि टैकोमीटर एनालॉग है, जबकि स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, लो बैटरी, फ्यूल गेज जैसे काफ़ी सारे फीचर्स डिजिटल हैं। इसमें टेल लाइट LED की मिल जाती है, जबकि हेडलाइट एंड इंडिकेटर्स हैलोजन के हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 240 mm की डिस्क एंड रियर में 130 mm की ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। साथ ही इस बाइक में मिल जाते हैं CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, अगर आप आगे वाले ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो पीछे वाले भी अपने आप लग जाते हैं। सस्पेंशन के लिए फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में फ्री रोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। तो अगर आप 1.25 लाख के आसपास कोई ऐसी बाइक चाहते हैं जो कि मॉडर्न हो, स्टाइलिश हो और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी हो, तो फिर आप पल्सर NS125 की तरफ जा सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं TVS की राइडर 125। इस बाइक का ऑन रोड प्राइस स्टार्ट हो जाता है मात्र 1,07,000 रुपये से और ये जाता है इसके टॉप वेरियंट 1,21,000 तक। अगर आपके पास 1,10,000 से 1,25,000 रुपये तक का बजट है तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। इस बाइक को एकदम स्पोर्टी लुक दिया गया है। अगर इसे कम्यूटर स्पोर्ट बाइक बोलें तो ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बाइक में मिल जाता है करीब 125 cc का एयर ऑयल कूल्ड FI इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 11.2 bhp एंड 11.2 Nm टॉर्क। 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है इसका इंजन और इस बाइक से मिल जाती है करीब 120 km/h की टॉप स्पीड। 10 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक दिया गया है और माइलेज की बात करें तो करीब 60 से 65 km/l का माइलेज मिल जाता है, यानी कि इसको एक बार फ्यूल अप कराने पर करीब 550 से 600 km की राइडिंग रेंज मिल जाती है और इतना माइलेज डेली कम्यूट के हिसाब से तो काफ़ी बेस्ट है। फीचर्स की बात करें तो बाइक में LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED DRLs एंड हैलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। ABS इस सेगमेंट में आता नहीं है और इसके अलावा इस बाइक में मिल जाता है फ्री डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हैं तो इसमें मिल जाता है आपको TVS का स्मार्ट कनेक्ट फीचर, जिसमें कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 10x10 नेविगेशन, वॉइस असिस्ट, टॉप स्पीड रिकॉर्डर एंड फ्यूल इकोनॉमिक जैसे काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि इस सेगमेंट में अभी तक किसी भी बाइक में नहीं मिलते हैं। तो अगर आप 1.25 लाख के प्राइस में कोई बाइक ढूंढ रहे हैं तो जा सकते हैं आप TVS राइडर की तरफ। इसके बाद 3rd नंबर पर आती है यामाहा की FZS वर्जन 3 या फिर FG वर्जन 3 और इसका ऑन रोड प्राइस स्टार्ट हो जाता है 1,42,000 से और ये जाता है इसके टॉप वेरिएंट FZ वर्जन 4 के 1,52,000 ऑन रोड प्राइस तक। लुक्स वाइज तो बाइक बिल्कुल अग्रेसिव लगती है। बाइक को मस्कुलर डिजाइन दिए गए हैं जिसकी वजह से बाइक काफ़ी स्टाइलिश लगती है और अपने से बड़े सेगमेंट की बाइक नज़र आती है। और सच बताऊँ तो इस बाइक को हर कोई गैस भी नहीं कर पाता है कि आखिर ये 150 cc की बाइक होगी। बाइक में मिल जाता है 149 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर FI इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 12.4 bhp एंड 13.3 Nm टॉर्क। 5-speed ट्रांसमिशन के साथ आता है इसका इंजन और इस बाइक से मिल जाती है करीब 120 से 125 km/h की टॉप स्पीड।
13 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक दिया गया है और माइलेज की बात करें तो इस बाइक से मिल जाता है करीब 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। एंड फीचर्स की बात करें तो बाइक में ऑल LED लाइटिंग मिल जाती है। ब्रेकिंग के लिए बाइक में डुअल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS दिया गया है और सस्पेंशन के लिए फ्रंट में 41mm टेलीस्कोपिक फॉर्क एंड रियर में गैस मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। इसके अलावा बाइक में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है जिसमें कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, साइड स्टैंड पावर कट ऑफ सेंसर एंड बाइक कनेक्ट के फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप 1.5 लाख के प्राइस में एक ऐसी बाइक की तलाश में हैं जो कि गुड लुकिंग हो, स्टाइलिश हो और जिसको देखकर लोग बोलें कि यार ये तो काफ़ी महंगी होगी, तो फिर जा सकते हैं आप यामा की FZ वर्जन 3 या फिर वर्जन 4 की तरफ। उसके बाद नंबर 2 पर आती है TVS की अपाचे RTR 160 2B। 3 वेरियंट्स में आती है ये बाइक और इसका ऑन रोड प्राइस स्टार्ट हो जाता है 1,45,000 से और ये जाता है 1,52,000 के ऑन रोड प्राइस तक। तो ये काफ़ी पॉपुलर बाइक है, हर एज की ऑडियंस इस बाइक को पसंद करती है बिकॉज इट्स स्टाइलिंग। बाइक को एकदम कम्यूटर लुक दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी अग्रेसिव लगता है। एंड इस बाइक में मिल जाता है करीब 160cc का एयर कूल्ड FI इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 15.8 bhp एंड 13.8 Nm टॉर्क। 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है इसका इंजन और इस बाइक से मिल जाती है करीब 120 से 125 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड। इस बाइक में 12 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक दिया गया है और माइलेज की बात करें तो करीब 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। और इस बाइक के फीचर्स की बात करें तो RTR 162B में LED हेडलाइट और LED टेल लाइट दी गई है जबकि इंडिकेटर्स जो हैं वो हेलोजन के मिलने वाले हैं। और अब इस बाइक में मिल जाता है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हैं तो उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। ब्रेकिंग के लिए इसमें सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल डिस्क ब्रेक ऑप्शनल है और साथ ही मिल जाता है सिंगल चैनल ABS। सस्पेंशन के लिए फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में डुअल शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया गया है। तो अगर आप एक ऐसी बाइक की तलाश में हैं जो कि कम्यूटर हो, पावरफुल भी हो और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगे, तो फिर आप अपाचे RTR 160 2B की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अपाचे RTR 164B का भी ऑप्शन है जिसकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। एंड फाइनली नंबर 1 पर आती है बजाज की पल्सर N160। N160 भी 2 वेरिएंट के साथ आती है और इसका ऑन रोड प्राइस स्टार्ट हो जाता है 1,48,000 से और ये जाता है 1,55,000 के ऑन रोड प्राइस तक। इस बाइक को भी सेम पल्सर N250 की तरह ही नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक दिया गया है और बाइक के फ्रंट में मिल जाती है प्रोजेक्टर LED हेडलाइट जो कि इसको और भी ज़्यादा स्टाइलिश एंड अग्रेसिव बनाती है। इंजन की बात करें तो इस बाइक में करीब 165cc का ऑयल कूल्ड FI इंजन दिया गया है जो कि 16 bhp एंड 14.6 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है इसका इंजन और टॉप स्पीड की बात करें तो ये बाइक चली जाती है 130 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड तक। 14 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक दिया गया है और माइलेज की बात करें तो इस बाइक से मिल जाता है करीब 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो बाइक में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है जिसमें कि टैकोमीटर एनालॉग है जबकि बाकी सारे फीचर्स डिजिटल दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 300mm की डिस्क एंड रियर में 230mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। साथ ही इस बाइक में डुअल चैनल ABS ऑप्शनल है जो कि इसका हाईलाइट पॉइंट है। सस्पेंशन के लिए फ्रंट में 37mm की टेलीस्कोपिक फॉर्क और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। तो अगर आप 1.5 लाख के प्राइस में एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो कि स्टाइलिश हो, गुड लुकिंग हो, पावर अच्छी खासी मिल जाए, परफॉर्मेंस अच्छी हो और साथ ही माइलेज काफ़ी अच्छा हो, तो फिर आपके लिए पल्सर N160 बेस्ट है। तो ये कुछ बाइक्स थी जो कि 1.5 लाख के प्राइस पर ऑन रोड आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा जैसे ही 1.5 लाख से आप ऊपर को जाते हो तो काफ़ी सारे ऑप्शंस और भी ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं जैसे कि TVS की अपाचे RTR 164B, हीरो की एक्सट्रीम 160R एंड 160R 4B, बजाज की पल्सर NS 160 जैसी काफ़ी सारी और भी बाइक्स हैं जो कि 1,50,000 से 1,70,000 के ऑन रोड प्राइस पर आपको मिल जाती हैं। तो उसका वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, ऊपर लिंक आ गया होगा, आप उस पर क्लिक कर ये वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी इन बाइक्स में से आपको कौन सी बाइक पसंद आई या फिर आप कौन सी बाइक लेना चाहोगे नीचे कमेंट जरूर करना
और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय, लव यू एंड राइड सेफ़।